फील्ड्स एंड सब फील्ड्स वीडियो नंबर 8, फील्ड्स वीडियो नंबर 8 और थ्योरम नंबर 3। अ फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विथ विदाउट जीरो डिविजर्स इज अ फील्ड। अ फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिविजर्स इज अ फील्ड। इसके पहले हम लोग थ्योरम पढ़े थे, एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। एवरी फाइनाइट आ गया, इंटीग्रल डोमेन कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी विदाउट जीरो डिविजर्स आ गया। तो उस रिजल्ट और इस रिजल्ट में जरा सा तुलना करिए, फर्क क्या है। उसमें था अ फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एंड विदाउट जीरो डिविजर्स इज अ फील्ड, और इसमें है एक कमी है, इसमें विथ यूनिटी नहीं लिखा हुआ है। तो यूनिटी भी हमें एग्जिस्ट करा के दिखानी पड़ेगी। तरीका बिल्कुल वही रहेगा, अ फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिविजर्स कंसीडर करिए। लेट कैपिटल आर बी अ फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग, फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिविजर्स। Then we have to prove that R is a field. For this we shall prove that field होने में क्या क्या कसर बाकी है। दो, एक unity का existence दिखाइए और एक ईच नॉन जीरो एलिमेंट इज इन्वर्टिबल, ये दिखाइए। वी शैल प्रूव दैट आर हैज द यूनिटी। एंड ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर इज इन्वर्टिबल इन आर। यही दो बातें आपको एस्टेब्लिश करनी है। चूंकि आर फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग डिक्लेयर करें, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ये डिक्लेयर करें, तब काम बनेगा। लेट R equals to curly bracket x1 comma x2 comma so on comma xn be such that order of R is equal to n, n being finite. अब देखो, R का order हमने declare कर दिया n, इसका मतलब हमने ये स्वीकार कर लिया R के सारे elements distinct हैं, कोई भी दो आपस में इक्वल नहीं है। लेट ए बी एनी नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर। लेट अस कंसीडर द सेट R star equals to curly bracket AXI such that XI R का element है, XI non-zero है। Structure को ध्यान से देखिएगा, R commutative ring है, ring है तो addition के साथ group बनाएगा और एडिटिव आइडेंटिटी इसमें जरूर होगा, यानी जीरो। इन एन एलिमेंट्स में से एक तो जीरो होगा और बकिया एन माइनस वन एलिमेंट्स नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे। उन्हीं नॉन जीरो एलिमेंट्स में से किसी एक एलिमेंट को हमने चुना और उसको ए से डिनोट किया, फिर उस ए का
प्री मल्टीप्लीकेशन किया हमने सभी नॉन जीरो एलिमेंट्स में, सभी नॉन जीरो एलिमेंट्स में, यानी ये एक जगह a इंटू ए भी आएगा, a इंटू वन भी आएगा, वन भी तो नॉन जीरो एलिमेंट है, इसमें है वन, इसमें वन है क्या? नहीं, इसमें वन नहीं है, ये तो प्रूव करना है कि यूनिटी इसमें दिखाइए। तो फिलहाल अभी इतना ही नहीं है कि इसमें यूनिटी है, हमको प्रूव करना है कि इसमें यूनिटी भी है। कुछ ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। ए नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स आई नॉट इक्वल टू जीरो इंप्लाइज दैट ए एक्स आई नॉट इक्वल टू जीरो। कारण लिखिए, सिंस आर इज विदाउट जीरो डिविजर्स, ये है ना, देखो कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिविजर्स, आर इज विदाउट जीरो डिविजर्स, यानी एक ऑब्जर्वेशन हमने लिया डिविजर्स, आर स्टार के सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं, आर स्टार के सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन, ए बिलोंग्स टू आर, एक्स आई बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट ए एक्स आई बिलोंग्स टू आर। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि आर स्टार के सारे एलिमेंट आर में हैं, है ना, एंड सो आर स्टार इज सबसेट ऑफ आर, और आर स्टार में जीरो एलिमेंट नहीं है, वो ये बता रहा है, ये बता रहा है कि आर स्टार में जीरो नहीं है, सारे के सारे नॉन जीरो एलिमेंट हैं, आर स्टार के सारे एलिमेंट आर में हैं। और तीसरा ऑब्जर्वेशन हम ये लेंगे कि आर स्टार के सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं, थर्ड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ आर स्टार आर डिस्टिंक्ट फुल स्टार फॉर इफ ए एक्स आई इक्वल्स टू ए एक्स जे देन बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ एक्स आई इक्वल टू एक्स जे विच इज नॉट ट्रू, जो कि सत्य नहीं। क्यों ट्रू नहीं है? क्योंकि यहाँ पहले ही आप मान चुके हैं कि ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं, इनमें से कोई भी दो एक्स आई एक्स जे बराबर नहीं होगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि एल सी एल लगा तो क्यों लगा, ये ब्रैकेट में आप लिख दो, नोटिंग द फैक्ट दैट, नोटिंग द फैक्ट दैट अ रिंग इज विदाउट जीरो डिविजर्स, इफ एंड ओनली इफ कैंसिलेशन लॉज होल्ड, कैंसिलेशन लॉज होल्ड, यही लॉजिक रहेगा। दिया हुआ है कि आर विदाउट जीरो डिविजर्स है, इसलिए आर में कैंसिलेशन लॉज होल्ड करेंगे, और इसलिए हमने यूज किया एलसीएल का। फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशंस देखो, इन सब बातों से, तीनों से क्या निष्कर्ष निकला कि आर स्टार के पास जितने भी एलिमेंट हैं सब डिस्टिंक्ट हैं, सब नॉन जीरो हैं, और सब आर के ही एलिमेंट हैं, सब नॉन जीरो हैं, सब आर के एलिमेंट हैं, सब डिस्टिंक्ट हैं। तो इसमें नॉन जीरो एलिमेंट्स की संख्या कितनी, एन माइनस वन, वही एन माइनस वन एलिमेंट आर स्टार में है, वही एन माइनस वन नॉन जीरो एलिमेंट्स आर स्टार में है। फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशंस वी कंक्लूड दैट आर स्टार कुछ और नहीं, आर माइनस सिंगलेटन जीरो है, आर के सारे एन माइनस वन नॉन जीरो एलिमेंट्स ही आर स्टार में है,
फिर फर्क क्या है? फर्क ये है कि देखो, जब a इंटू एक्स वन निकालोगे तो a इंटू एक्स वन इसी में से कोई एलिमेंट आएगा, फिर a इंटू एक्स टू फिर इसी में से कोई एलिमेंट आएगा, नॉन जीरो एलिमेंट, a इंटू एक्स थ्री फिर इसी में से कोई आएगा, n माइनस वन एलिमेंट्स इसमें नॉन जीरो हैं, उनमें से किसी एक को हमने लिया, उसको हमने a से डिनोट किया, फिर उस a का गुणा हमने सभी नॉन जीरो एलिमेंट्स में किया, तो a इंटू एक्स वन a इंटू एक्स टू इसमें एक ही एलिमेंट तो कोई जीरो होगा, बकिया n माइनस वन नॉन जीरो एलिमेंट होंगे भाई, तो सब नॉन जीरो एलिमेंट गुणा करो, इसी के लिए एलिमेंट्स आएंगे ना बाई क्लोजर ला। लेकिन इसके एलिमेंट्स देखो x1, x2, xn जैसे हैं, इसके एलिमेंट ax1, ax2, ax3 ऐसे, एक एलिमेंट को छोड़ के जो जीरो होगा। तो अंतर क्या है दोनों में? अंतर यह है कि जिस क्रम में इसके एलिमेंट्स लिखे हैं उस क्रम में इसके भी एलिमेंट्स लिखे हुए जरूरी नहीं है। अगर a को हम 1 ले लें तो वही क्रम आ जाएगा, लेकिन ये पता नहीं इसमें से कौन सा नॉन जीरो एलिमेंट है। तो विद द ओनली डिफरेंस दैट द एलिमेंट्स आर रिटन इन डिफरेंट ऑर्डर, यहां पे लिखिए विद द ओनली डिफरेंस दैट द एलिमेंट्स आर रिटन इन डिफरेंट ऑर्डर्स, इन डिफरेंट ऑर्डर्स, इन आर स्टार एंड आर माइनस सिंगलेटन जीरो। ध्यान दीजिए, इसमें से हम एक एलिमेंट लिए हैं ए, और ये नॉन जीरो एलिमेंट है, तो नॉन जीरो एलिमेंट होने के नाते ये इसमें भी होगा ना, यानी कोई तो ए इंटू एक्स आई ऐसा होगा जो ए के बराबर होगा। बात नहीं समझ रहे? हमने अभी अभी ये कंक्लूड किया कि आर स्टार में आर के सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, तो आर से ही आपने एक नॉन जीरो एलिमेंट ए लिया था, तो ये नॉन जीरो एलिमेंट ए आर स्टार में है, यानी ए इंटू एक्स आई, कोई एक्स आई ऐसा है, कोई एक्स आई ऐसा है जिसके लिए ए एक्स आई बराबर ए होगा। सिंस ए इज नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर, देयरफोर ए बिलोंग्स टू आर स्टार, एंड सो देयर एग्जिस्ट्स यूनिक एक्स आई सच दैट ए एक्स आई, यूनिक एक्स आई, एक्स आई के बारे में भी बता दो, एक्स आई कहाँ होगा? आर माइनस सिंगलेटन जीरो में। ये जो एक्स आई आर स्टार में जो एक्स आई लिखे हैं वो आर के एलिमेंट हैं और नॉन जीरो हैं, यानी आर माइनस सिंगलेटन जीरो के एलिमेंट हैं, सच दैट ए इक्वल्स टू ए एक्स आई, विच इंप्लाइज दैट the unity exists, ब्रैकेट में लिख दो वन, जिसको वन से डिनोट करते हैं, exists in R, unity exists in R, प्रूव हो गया। a into a x i तभी होगा जब एक्स आई वन हो, यूनिटी हो, तो देयर एग्जिस्ट्स यूनिटी एग्जिस्ट करेगी, यूनिक यूनिटी चूंकि आइडेंटिटी होता है ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वो यूनिक होता है। अगेन अब हमने दिखा दिया कि यूनिटी एग्जिस्ट्स इन आर, अब इस यूनिटी की मदद लेंगे, सिंस
वन इज नॉन जीरो एलिमेंट, वन इज नॉन जीरो एलिमेंट, ऐसे लिखते चलो, ऑफ आर, देयरफॉर वन बिलोंग्स टू आर स्टार एंड सो देयर एग्जिस्ट यूनिक एक्स आई बिलोंगिंग टू आर माइनस सिंगलेटन जीरो सच दैट वन इक्वल टू ए एक्स आई. ए एक्स आई इक्वल टू वन लिख दो. ए एक्स आई इक्वल टू वन तभी होगा जब एक्स आई ए का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा, विच इंप्लाइज दैट. देखो तुमको ये कहना चाहिए कि ए एक्स आई इक्वल टू वन इक्वल टू एक्स आई ए, ऐसा होता है तब हम ये कहते हैं कि एक्स आई ए का इनवर्स है, और हम आधे पे ही कंक्लूड कर रहे हैं इसलिए कि रिंग कमुटेटिव दिया हुआ है. तो अगर ऐसा है तो ऐसा भी होगा, इसीलिए आधे पे कंक्लूड करते हैं. विच इंप्लाइज दैट ए इज इन्वर्टिबल या इन्वर्सिबल, ए इज इन्वर्सिबल इन आर, और ए है कौन, नॉन जीरो एलिमेंट, एनी नॉन जीरो एलिमेंट. तो अब फाइनली वी कंक्लूड दैट, ऐसा करते हुए लिख दें हम लोग, फाइनली वी कंक्लूड दैट ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर इज इनवर्सिबल. फाइनली वी कंक्लूड दैट, दो रिजल्ट कंक्लूड किए, दोनों की चर्चा कर दें, दैट द यूनिटी एग्जिस्ट इन आर एंड ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर इज इन्वर्सिबल इन आर. बस इसके बाद ये तो हेंस द प्रोपोजिशन. बाकी सब बात हम पहले ही लिख चुके हैं कि ये दिया है, ये सिद्ध करना है, इसके लिए हम ये सिद्ध करेंगे, वो सिद्ध हम कर दिए, बात खत्म. हेंस द प्रोपोजिशन. नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर फोर. एवरी सबरिंग विथ यूनिटी एवरी सबरिंग विथ यूनिटी ऑफ अ फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन. फील्ड भी एक रिंग का प्रकार होता है ना, फील्ड इज ए टाइप ऑफ रिंग. तो फील्ड का जो सबरिंग हो, ऐसा सबरिंग जिसके पास यूनिटी हो, वो इंटीग्रल डोमेन होता है. वो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एंड विदाउट जीरो डिविजर्स होता है. फील्ड का कोई भी सबरिंग हो जिसके पास यूनिटी हो, वो इंटीग्रल डोमेन होता है. लेट एफ बी अ फील्ड, देन एफ इज अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी कामा इन विच ईच नॉन जीरो एलिमेंट, ईच नॉन जीरो एलिमेंट
इज इनवर्सिबल, फुल स्टॉप। अब इस फील्ड का कोई सब रिंग विथ यूनिटी लीजिए, लेट कैपिटल एस बी एनी सब रिंग विथ यूनिटी ऑफ एफ। वी हैव टू प्रूव दैट एस इज एन इंटीग्रल डोमेन, वी हैव टू प्रूव दैट एस इज एन इंटीग्रल डोमेन। थोड़ा सा यहां पे एक सेंटेंस अभी डाल देते तो अच्छा लगता। देखो f का हमने सब रिंग लिया है तो उसका सबसेट तो होगा ही होगा। अगर कामुटेटिव लॉ f में होल्ड कर रहा है तो कामुटेटिव लॉ उसके पार्ट में s में भी होल्ड करेगा। तो यही बतिया यहां पर लिख दिया जाए, देन कामा क्लियरली कामा s इज अ कामुटेटिव, भाई सब रिंग है तो रिंग होगा ही, इज अ कामुटेटिव रिंग विथ यूनिटी। अब आप कहिए कि वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट एस इज एन इंटीग्रल डोमेन, है ना। देखो धीरे धीरे तस्वीर साफ होती जा रही है। इंटीग्रल डोमेन कहते हैं कामुटेटिव रिंग विथ यूनिटी विदाउट जीरो डिविजर्स को। एस कामुटेटिव रिंग विथ यूनिटी ऑलरेडी है, बस केवल आपको एस इज विदाउट जीरो डिविजर्स प्रूव कर देना है। फॉर दिस we shall prove that s is without zero divisors, s is without zero divisors। ठीक बात क्लियर हो गई ना, बढ़िया फर्स्ट क्लास। अब एक रिजल्ट का हवाला दे रहा, we know that a ring is without zero divisors, a ring is without zero divisors if and only if cancellation laws hold, cancellation laws hold। ये देखो कैसे टर्न कर दिया हमने। तो रिंग को विदाउट जीरो डिविजर्स प्रूव करना है तो आप क्या प्रूव कर दोगे, उसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। दस फॉर द प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन माने मुख्य प्रतिज्ञा, माने वो स्टेटमेंट जिसको हमको एस्टेब्लिश करना है, प्रूव करना है। फॉर द प्रोपोजिशन वी शैल प्रूव दैट कैंसिलेशन लॉज कैंसिलेशन लॉज होल्ड इन एस। कैसे देखो पूरा टर्न हो गया, नाउ लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ राइट कैंसिलेशन लॉ दोनों एस्टेब्लिश किया जाए। सॉरी ए बी इक्वल टू ए सी, ए नॉट इक्वल टू जीरो सेमीकोलन, एक साथ दोनों कर दे रहे हैं लेफ्ट और राइट। ए बी इक्वल टू सी बी, बी नॉट इक्वल टू जीरो, और इसमें ए बी सी ये एलिमेंट कहां के हैं, एस के हैं। इंप्लाइज दैट ए बी इक्वल टू ए सी, हम एस में कैंसिलेशन लॉज स्टेब्लिश कर रहे हैं तो एलिमेंट्स एस के लेंगे। ए बी इक्वल टू ए सी, ए नॉट इक्वल टू जीरो सेमी कोलन,
ए बी इक्वल टू सी बी, बी नॉट इक्वल टू जीरो। और अब हम लिख दें ए बी सी बिलोंग टू एफ एज, जैसा कि एस इज सबसेट ऑफ एफ, एस एफ का सबरिंग है, इंप्लाइज दैट ए बी इक्वल टू ए सी कामा ए नॉट इक्वल टू जीरो की जगह अब हम लिख दे रहे हैं ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ सेमी कोलन, ए बी इक्वल टू सी बी कामा बी इनवर्स बिलोंग्स टू एफ। फील्ड के नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स फील्ड में एग्जिस्ट करता है, इंप्लाइज दैट ए इनवर्स ए बी इक्वल टू ए इनवर्स ए सी कामा ए बी बी इनवर्स इक्वल्स टू सी बी बी इनवर्स, इंप्लाइज दैट बाई एसोसिएटिविटी ए इनवर्स ए बी इक्वल टू ए इनवर्स ए सी, ए बी बी इनवर्स इक्वल टू सी बी बी इनवर्स, इंप्लाइज दैट वन बी इक्वल टू वन सी कामा ए इंटू वन इक्वल टू सी इंटू वन, इंप्लाइज दैट बी इक्वल टू सी कामा ए इक्वल टू सी। इसने इंप्लाई कर दिया इसको, और इसने इंप्लाई कर दिया इसको, दिस इंप्लाइज दिस मीन्स LCL होल्ड्स इन S, दिस इंप्लाइज दिस मीन्स RCL होल्ड्स इन S, हो गई पूरी बात। दस कैंसिलेशन लॉज होल्ड इन एस, बस कुछ और लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सब हम पहले ही लिख देते हैं ना कि ये दिया है, ये सिद्ध करना है, इसके लिए हम ये सिद्ध करेंगे, वो सिद्ध कर दिया, बात खत्म हो गई। थ्योरम नंबर फाइव, अ फील्ड हैज नो डिविजर सब जीरो, बहुत छोटा थ्योरम। A field has no divisors of zero. And a field is a ring without zero divisors. तो ये इसमें क्या प्रूव करना है? इसमें सीधा सीधा हम कहते हैं we know that every field has integral domain. An integral domain has no divisors of zero. Therefore, field has no divisors of zero. समझ रहे ना? दूसरे तरीके से भी बातचीत कर सकते हैं, चलो देखो दोनों तरीके से हम कर दे रहे हैं। लेट कैपिटल एफ बी अ फील्ड, देन कैपिटल एफ इज एन इंटीग्रल डोमेन, एंड सो कैपिटल एफ हैज नो डिविजर सब जीरो, नो डिविजर्स ऑफ जीरो, यानी एफ इज विदाउट जीरो डिविजर्स। दूसरे तरीके से हम लॉजिक यूं चलो देते हैं कि माना कि एफ के पास जीरो के डिविजर्स हैं, ऐसा मान के देख लिया जाए। लेट अस सपोज दैट एफ हैज डिविजर्स ऑफ जीरो, लेट इफ पॉसिबल ऐसे लिखते हैं, लेट इफ पॉसिबल एफ बी रिंग विथ जीरो डिविजर्स, विथ जीरो डिविजर्स, देन व्हाट विल हैपन? ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो, बट
ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो। नाउ ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो इंप्लाइज दैट ए इनवर्स बी इनवर्स बोथ एग्जिस्ट इन द फील्ड एफ। ओके, नाउ ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो इंप्लाइज दैट ए इनवर्स ए बी इक्वल टू ए इनवर्स जीरो एंड ए बी B inverse equal to zero B inverse implies that A inverse A into B equals to zero, A bracket BB inverse equal to zero implies that one into B equal to zero, A into one equal to zero implies that B equal to zero, A equal to zero not true। नॉट ट्रू लिख दो चाहे लिख दो, कंट्राडिक्शन जो कि विरोधाभास है, क्योंकि ए भी जीरो नहीं है बी भी जीरो नहीं। तो जो आपने कहा कि माना यदि संभव है एफ के पास डिवीजर सब जीरो हैं तो वो ठीक नहीं हो, गलत हो गया। दस एफ इज विदाउट जीरो डिवीजर्स, एफ इज विदाउट जीरो डिवीजर्स माने एफ हैज नो डिवीजर सब जीरो। एक छोटा थ्योरम और कर लिया जाए, बहुत छोटा सा थ्योरम नंबर सिक्स। If A, B are any two elements of a field F, if A, B are any two elements of a field F and A not equal to zero, इफ से शुरू किया है तो फिर फुल स्टॉप नहीं लगे सेमी कॉलन, देन देयर एग्जिस्ट्स यूनिक एक्स बिलोंगिंग टू एफ सच दैट ए एक्स इक्वल टू बी। प्रूफ, बहुत ही सिंपल प्रूफ है इसका। ए एक्स इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू जीरो इंप्लाइज दैट ए एक्स इक्वल टू बी, ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ इंप्लाइज दैट ए इनवर्स ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए फील्ड में है, ए इनवर्स भी फील्ड में है, बी भी फील्ड में है, ए इनवर्स बी बाय क्लोजर लॉ भी फील्ड में होगा, बिलोंग्स टू एफ इंप्लाइज दैट एसोसिएटिविटी लगा दें ए इनवर्स ए एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी इंप्लाइज दैट वन एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। वन यूनिटी है और फील्ड के पास यूनिटी होता ही है, इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। Thus, for A, comma B belonging to F, bracket A not equal to zero, bracket one, there exist X equals to A inverse B belonging to F such that AX equal to B, X की वैल्यू निकाल लिए ना, ए एक्स इक्वल टू बी हो जाएगा अगर एक्स इतना हो। इसी में यूनिकनेस और इंसर्ट कर देना है।
कि ये जो x एग्जिस्ट किया है ये यूनिक है, x की एक ही वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट करेगी a इनवर्स b, x की दूसरी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यूनिकनेस वाला पार्ट अलग से, यूनिकनेस, लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग टू f b सच दैट a x1 इक्वल टू b एज वेल एज a x2 इक्वल टू b, देन x के दो मान हम मान लिए इस इक्वेशन के लिए, तो इस दो रिजल्ट में देखो राइट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट करिए, ए एक्स वन इक्वल टू ए एक्स टू इंप्लाइज दैट एक्स वन इक्वल टू एक्स टू बाई लेफ्ट कैंसिलेशन ला, हो गया यूनिकनेस, एक्स की दो वैल्यूज हम माने थे दोनों बराबर आ गई। यहाँ एक प्रश्न ये खड़ा होता है जो आपको खुद ही प्रश्न को भी खड़ा करना सीखो, हर स्टेप पे कुछ यूज करना है तो तुरंत अपने आप से पूछो ये रिजल्ट यूज होगा, हम अप्लाई कर सकते हैं। तो लेफ्ट कैंसिलेशन ला हम क्यों लगा दिए, क्योंकि फील्ड एफ एक फील्ड है, एफ एक फील्ड है और फील्ड इंटीग्रल डोमेन होता है, इंटीग्रल डोमेन विदाउट जीरो डिविजर्स होता है, और कोई रिंग अगर विदाउट जीरो डिविजर है तो उसमें कैंसिलेशन ला होल्ड करेगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को लिख दिया जाए तो बेहतर है, नोटिंग द फैक्ट दैट एफ इज अ फील्ड इंप्लाइज दैट एफ इज एन इंटीग्रल डोमेन, ये पढ़ा है ना, एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन, इंप्लाइज दैट एफ इज विदाउट जीरो डिविजर्स, एफ इज विदाउट जीरो डिविजर्स, अगर हम चाहते तो सीधा सीधा लिख देते एफ इज ए फील्ड इंप्लाइज दैट एफ इज विदाउट जीरो डिविजर्स, अभी इसके पहले यही तो प्रूव किए थे कि फील्ड के पास जीरो के डिविजर्स नहीं होता, और फिर लिखो इंप्लाइज दैट कैंसिलेशन लॉज होल्ड, कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन एफ, इतना इसी बात में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करने के पीछे, ये मॉडर्न अलजेब्रा की दुनिया है बाबू, यहाँ पे रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, रिजल्ट ही रिजल्ट, और वो सब आपको याद होना चाहिए, और याद ही नहीं होना चाहिए मौके पर वो याद आए, जब हमें ज़रूरत है तो रिजल्ट हमें रिकॉल हो, हमारे मेमोरी चैम्बर से हमें याद आ जाए कि अरे ऐसा होता है। अब इसका हम तरीका आपको अक्सर बताते हैं मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ने का, पहला तो ये है कि आप एक नोट्स अगर बनाते हो अलजेब्रा में, मैथमेटिक्स में नोट्स का कोई मतलब तो होता नहीं है, लेकिन जो मॉडर्न अलजेब्रा है इसमें नोट्स बनना चाहिए, और एक अलग से नोट्स मॉडर्न अलजेब्रा का बनना चाहिए जिसमें सारे डेफिनेशन, हर डेफिनेशन पर एक एक एग्जाम्पल और सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स उसमें लिख दो बस, और प्रूफ प्रूफ मत लिखना। स्टैंडर्ड रिजल्ट सब किसको कहेंगे, देखो जैसे थ्योरम है ना, यही है कोई भी थ्योरम, इसके पहले था एक थ्योरम कि ए फील्ड हैज़ नो डिविजर्स ऑफ जीरो, ये रिजल्ट हो गया, ये उसमें लिख दीजिए, और रोज सुबह उठ करके 15 मिनट केवल उस नोट्स को आप हाथ में ले करके दोहराइए मुन 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 बोलते हुए, बिना ये फिक्र किए कि हमको ये याद हो रहा है कि नहीं, 30 दिन ऐसा करके आप देख लो, उसके बाद आपको कुछ आपसे पूछा जाएगा तो आप बता देंगे, आपको जानकर बहुत हैरत होगी, खुशी होगी, अरे हमको सब याद हो गया, ये बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी रिजल्ट के बारे में एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करना चाहिए, आप अपने फ्रेंड से पूछो, वो आपका फ्रेंड आपसे कुछ पूछ ले, समझ रहे ना, तो कभी भूलेगा नहीं। अगर आप ऐसा करोगे, इस तरीके से मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ोगे तो आपको मॉडर्न अलजेब्रा आएगा, अगर ऐसे नहीं पढ़ोगे तो आपको मॉडर्न अलजेब्रा समझने में बहुत 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 दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी। दूसरी चीज, मॉडर्न अलजेब्रा शुरू करने से पहले मॉडर्न अलजेब्रा का फाउंडेशन बहुत तगड़े से डालना चाहिए, और हमारी एक प्लेलिस्ट है मॉडर्न अलजेब्रा इंट्रोडक्शन एंड फाउंडेशन, उसमें कुल 46 वीडियोस हैं,
सोचिए आप, मॉडर्न अलजेब्रा के फाउंडेशन के लिए हमने 46 वीडियोस दे रखे हैं, वो आपका तैयार होना चाहिए। वो वीडियोस आप दो दो बार तीन तीन बार देखिए, नोट्स उसका बनाइए, उसे सब याद रखिए। हाँ, वो सब बातें यूज़ होती रहती है ना, फटाफट यूज़ होती रहती है। अब याद है तभी तो यूज़ करोगे, याद है तभी टीचर पढ़ाएगा तो आपके समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।